कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। समय पर कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए धरातल पर अनेकों कार्य योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमार में विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पट्टाब पंतेड़ा में आयोजित विभिन्न विकास कार्य के उद्घाटन व शिलान्यास के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ग्राम पंचायत पट्टा में 5 लाख रुपए की अनुमानित राशि से बनने वाले सामुदायिक सेवा केंद्र भवन की आधारशिला रखी व ग्राम पंचायत पंतेड़ा में 64 लाख रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण से इस क्षेत्र के आसपास के करीब 20,000 की जनसंख्या को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे पूर्व उन्होंने ग्राम पंचायत पंतेड़ा में ही 3.50 लाख रुपए की लागत से बने महिला मंडल भवन थुएला का भी विधिवत रूप से लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन के तहत 85 करोड़ रुपए की योजनाओं को धरातल पर अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 53 करोड़ रुपए की कोल डैम जलापूर्ति परियोजना के जल भंडारण टैंकों के निर्माण के माध्यम से जल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में सड़क नेटवर्क को भी और अधिक मजबूती प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल घुमारवीं में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से नया ओपीडी ब्लॉक तैयार किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत पट्टा के संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य के लिए 40 लाख रुपए की तलोटो मार्ग पर 7 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी तथा मजेड़मा रोड पर 60 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है और इस सारी की सारी योजनाएं आज ये मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की आशीर्वाद से हम एक ऐसे मुख्यमंत्री तो जनता की भावनाओं के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश के अंदर पहला अगर निर्णय लिया तो प्रदेश के बुजुर्गों के लिए समर्थित युवाओं को यहाँ कोई छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया मिले ताकि यहाँ के युवा प्रतिभावान युवा भी कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारे लिए यहाँ घुमारे में इंडस्ट्रियल एरिया की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दी, उसके लिए जमीन तलाशने का काम शुरू हुआ और अपने पड़ोस में गहरी और गाड़ी के जंगल में उसमें हमने लगभग 20 बीघा जमीन केंद्र की है, उसका काम भी अब अंतिम छोर पर है। फॉरेस्ट की अनुमति मिलने बाकी रह गई है, जैसे ही फॉरेस्ट की अनुमति क्लियर हो जाएगी इंडस्ट्रियल एरिया का काम भी सोमवार में हम शुरू करके देंगे, ये भी हम आपको बता का सम्मान करेगी। और पहला निर्णय लिया पहली ही बैठक में कि 80 साल की आयु के लोगों को जो पेंशन मिलती थी उस 80 साल की आयु को बढ़ाकर 70 साल की आयु से वृद्धों को पेंशन देने का ऐलान किया और वो भी किसी आय के सर्टिफिकेट के तहत, और जो 750 रूपए पहले 80 साल की आयु में मिलती थी उसको भी 1500 रूपए करके दिया। आज प्रदेश के हमारे वृद्ध जो हमारे आदमी बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान और उनका स्वाभिमान जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग जो है कई बार कुंठित होते हैं और उसमें भी जो लोग बच गए तो मुख्यमंत्री ने उसके लिए और 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी माता बहन नहीं रहेगी जिसके रसोई में गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचेगा, निःशुल्क गैस का कनेक्शन सबको दिया जाएगा। और आज हमको कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 2019 में उन्होंने कहा था और 2030 में ही इस लक्ष्य को पूरा कर दिया और पूरे प्रदेश के अंदर हर घर में आज गैस का कनेक्शन मुख्यमंत्री गृह योजना के तहत निःशुल्क रूप से पहुंचा दिया गया है। 2,91,000 घरों में ऐसे कनेक्शन जो है पहुंचा दिए हैं और 1 लाख से भी ज्यादा अभी भी एक और रिपीट फ्री में उन माताओं बहनों को उपलब्ध कराए। सरकार अनेक सारी योजनाएं